ग्राम पंचायत 2 STR में चुनाव अधिकारी पर प्रत्याशी सतीश जिंदल ने धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए। उपखंड अधिकारी के नाम मार्फत नायब तहसीलदार को दिया ज्ञापन, बार बार फोन करके प्रत्याशी सतीश जिंदल को हस्ताक्षर करने का दबाव रिटर्निंग अधिकारी ने बनाया। कभी 500 रुपए जमानत राशि देने और कभी फॉर्म गुम होने और कभी नौकरी चली जाने का वास्ता दिया। प्रत्याशी उप विजेता सतीश जिंदल व उसके समर्थक अपने वोटों को भी इधर उधर करने का आरोप लगाया है। न्याय नहीं मिला तो हम मंगलवार को उपखंड कार्यालय के सामने आमरण अनशन करेंगे। मैं सतीश कुमार सरपंच पद का प्रत्याशी था। 15 मार्च को जब चुनाव हुआ उसके बाद में रात को अकाउंटिंग हुई तो उसके अंदर ये संदेह पैदा करता है कि किशन सिंह सैनी जो महासचिव है वो भी अकाउंटिंग के समय उसके अंदर था, जो कि नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो काउंटिंग की गई उसके अंदर मैंने हार भी स्वीकार की मैंने, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सभी कागजों पे जो ज़रूरी साइन बनते हैं करवा लिए और हम घर को चले गए। और सुबह फिर उनका फ़ोन आया आरओ साहब का कि आप आके साइन करके जाओ। हमने सोचा वो जो 500 रुपये जमानत राशि होती है वो देने के लिए साइन करवाने होंगे। हम जब वहाँ गए तो उन्होंने 8-9 नंबर वार्ड का ही 20 नंबर बूथ था जो, वो कागज़ निकाले कि यहाँ पर साइन कर दो। मैंने कहा साइन तो हमने रात किए हुए हैं। वो कहते हैं नहीं, वो फार्मेट हमारे गायब हो गया। तो गायब 8-9 नंबर का क्यों ही गायब हुआ, बाकी क्यों नहीं गायब हुए? तो उस पर संदेह पैदा करता है कि ये शंका दूर करें हमारी, जो भी हमारे संदेह पैदा हुआ है उसका हम निवारण चाहते हैं। अगर उसके अंदर कोई दोबारा काउंटिंग होती है, उसमें कोई गलती पाई जाती है तो ये चुनाव दोबारा होना चाहिए। मेरी चुनाव आयोग से, SDM साहब से, जिला कलेक्टर साहब से ये निवेदन है कि इसकी तुरंत जाँच कराएँ। अगर इसकी शाम तक हमारे को कोई किसी चीज़ का समाधान नहीं मिलता है तो कल हम आमरण अनशन पे बैठेंगे, पूरी सर्व समाज को लेके हम रहे हैं। उनको गिनती के समय अंदर जाने दिया गया और पूरा दिन उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। मैं भी देख रहा था, मैं इनका रिश्तेदार हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया था, यहाँ पर मैं आया हूँ। और शाम को ये देखा गया कि कुछ पहले के जो कर्मचारी हैं जिनकी वहाँ ड्यूटी नहीं थी वो भी उसके अंदर मौजूद थे, जो नहीं होने चाहिए थे। और ये एक गैर संवैधानिक बात है कि ऐसे कर्मचारी जब वहाँ पर मौजूद हैं तो उसको हम क्या मान करके चलें। लेकिन कैंडिडेट महोदय ने और हम सब ने, सर्व समाज ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया जो हमारी हार है, और हम हार को लेकर के घर आ गए और हमने हमारे बच्चों को संभाला। जो भी पोजीशन थी उस समय, जो हमारे हमें मेडिकल की ज़रूरत थी और थी डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, हमने व्यवस्था की। हमारे बच्चों को जो तकलीफ़ें हो रही थी उस समय हारने के कारण, वो हमने संभाली। लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि सुबह प्रेजेंडिंग महोदय फ़ोन लगाते हैं, आप जहाँ पर पहुँचें आपसे हमें काम है। हमने सोचा जो आपको 500 रुपया जो आपने राशि जमा करवाई है वो राशि शायद आपको वापस देना चाहते होंगे। हम 4 आदमी गाड़ी के अंदर वहाँ पर गए तो प्रेजेंडिंग महोदय कहते हैं सर आप यहाँ पर बैठिए। कैंडिडेट महोदय को कहते हैं सीट खाली करते हैं, एक दूसरे सर बैठे तो वो भी सीट खाली करते हैं और फटाफट पेन पकड़ाते हैं, जल्दी करते हैं, आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दें। कैंडिडेट महोदय द्वारा ये कहा गया कि ये सिग्नेचर तो कल मैंने टोटल आवश्यक जो कागज़ थे उनके ऊपर टोटल कंप्लीट कर दिए थे, फिर ये दोबारा क्यों? तो मैंने भी ये कुछ उनसे पूछा, ये जो चौथा सेट है जो 20 नंबर बूथ का जो सेट है ये क्यों गायब हो गया? 2 बार मैंने क्वेश्चन किया, वीडियो भी है हमारे पास उस बात का, तो उनका कोई जवाब नहीं था। जब उनका ये जवाब नहीं था तो ये संदेह पैदा करता है कि 20 नंबर बूथ के ही कागज क्यों गायब हुए? क्या कहीं जो 220 वोट 230 वोट कैंडिडेट महोदय सतीश कुमार की दिखाई जा रही है कहीं वो 330 तो नहीं थी? अगर वो 330 थी तो ये बनता है कि उसकी अकाउंट की गिनती दोबारा हो, और अगर गिनती में कुछ घोटाले पाए जाते हैं तो इसके अंदर संलिप्त कर्म अधिकारियों के विरुद्ध कानून के मुताबिक कार्रवाई हो और हमारे कैंडिडेट को जो आवश्यक सुविधा है अगर उनका कुछ और भी हक बनता है तो उनको दिया जाए। ये मेरी गठसाना निवासियों के साथ मांग है। ये मैं नहीं कह रहा, इनकी भावनाओं को मैं कह रहा हूँ। आप देख रहे हैं आपके सामने इस समय जन समुदाय है, मैं इन जन समुदाय की तरफ से बोल रहा हूँ। इन जन समुदाय की भावना को मैं कैमरा के सामने प्रकट कर रहा हूँ। ये मेरी भावनाएं नहीं है, ये भावनाएं इन लोगों की हैं जो जहाँ पर इस समय उपस्थित हैं। जय श्री राम, जय हिंद। सर जो ये चुनाव हुए, जो सुबह इस बात का घोटाला हुआ है कि हमें साइन दोबारा चाहिए या कुछ भी चाहिए, इस बात पे सख्त कार्यवाही की जाए। और हमें बस इतना ही चाहिए कि हमें इंसाफ चाहिए।
उन्होंने बोला वो फॉर्म अगर इस बार ये गलती हुई है तो आगे भी ये गलती होगी, लेकिन हम इसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। हमारी जान घोटाला हुआ तो ही सॉरी मेरे हस्बैंड, हाँ जी, उन्होंने पूछा किस चीज के लिए साइन, कहते जे कहते मैंने तो साइन रद्द कर दिए, जे कहते इसमें फिर चाहिए, जे कहते आज 8-9 वार्ड पे तो हो चुके हैं साइन, कहते जे फार्म गुम गए। मेरे हस्बैंड बोले जे कैसे गुम गए आपसे फार्म, कहते सॉरी, जे कहते ऐसे कैसे गुम गए, कहते हमारी नौकरी का सवाल है, प्लीज आप इस पे साइन कर दो। ये बातें उन्होंने क्यों किया, प्लीज हमारी नौकरी का सवाल है, जे को घोटाला हुआ तो ही वो डर रहे है ना, सॉरी बोल रहे हैं, इसीलिए वो आगे नहीं आ रहे, आगे नहीं आ रहे, अब सभी छुप गए। हमारे को तो इंसाफ चाहिए, हमें जितने दिन धरना लगाना पड़े हम जहाँ लगाएंगे, भूखे दे बैठेंगे, टैंकी के ऊपर चढ़ जाएंगे, नीचे छाल लगाएंगे, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, चाहे हम हारे जीते हमारे को इंसाफ चाहिए, चुनाव दोबारा होना चाहिए, धरना दे रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक संतुष्ट जवाब नहीं आया है, अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई या जांच नहीं करता है तो सुबह से निश्चित धरना लगाया जाएगा। मैं प्रशासन को ये चेतावनी देता हूँ, अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हम तो